फ्रॉम हेलो वेलकम बैक टू मैच। मैं हूं नमेश क्रिएटर। एक मुसाफिर का राइट नाउ, अभी हम हैं केदारकंठा बेस कैंप पे। अभी हम जा रहे हैं सबमिट के लिए। सुबह के 2:15 हो रही है और बजी बढ़िया पूरा सेट हो चुके हैं, पैक हो चुके हैं, बस निकलना है यहाँ से अब। और अभी बिल्कुल अंधेरा है रात को। और बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और जो थोड़ा बहुत होगा दिखा पाऊंगा अभी, तो बाकी सुबह का सनराइज तो पक्का देख रहे हो तुम मेरे साथ। और इसके अलावा क्या, चलते हैं बस अब आगे सफर पर, दिखाता हूँ तुमको अपने साथ। ये सारे लोग ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं ऊपर, एंड रात के टाइम क्या हो रहा है, 3:15 के आसपास टाइम है अभी, और ऊपर जा रहे सारे भी। ओके, पता नहीं कैमरे में कितना दिख रहा, बट हम चढ़ते हुए 25-30 मिनट हो गए और मस्त राइड दी भाई चार बहन किसी, और मस्त मज़ा आ रहा है। और अभी तो रास्ता बहुत दूर है, बहुत लंबा रास्ता है, मॉल भीड़ बहुत है। बस ऐसा रात को है, कभी ट्रैवल करा नहीं है, ट्रैक करा नहीं है, तो इसका मज़ा अलग है। सांस फूल रही है और बड़ा मस्त व्यू हो रखा है, बहुत प्यारा। भीड़ का परम पारम, मस्त भीड़ है यहाँ पे। कोई मेरे को उम्मीद नहीं थी इतनी सुबह सुबह इतनी जनता भाग के आएगी। सनराइज निकला भाई। ओके, हमें अभी चलते हुए लगभग 1-1.5 घंटा से ऊपर हो चुका है। और ओके, वीडियो बन रही है, हमें चलते हुए 1-1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है। और ऑलमोस्ट ज़्यादा रहा नहीं है ट्रैक, 1.5 किलोमीटर का आसपास का ट्रैक है, बट भीड़ है यहाँ पे, मस्त भीड़ है। और हिसाब से थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगने वाला है, जितना नॉर्मल ट्रैक पे लगता है। यस सर, सामने सनराइज होता हुआ, चांद ढलता हुआ, बहुत प्यारा व्यू। और यहाँ पर लोगों को जाना ऊपर तक, 7:00 के आसपास सनराइज होने वाला है। ढाल थोड़ी खस्ती है, ठंड बहुत ज़्यादा है, बट मज़ा इसी चीज़ का है। ओके, फाइनली मेड इट टू समिट। लगभग 7:30-7:30 बजे सो सुबह के, और रात को 2:30-3 बजे स्टार्ट किया था। बहुत प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा लग रहा है। एंड हियर वी कम। काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी मज़ा आया। दिस वॉज वन ऑफ द ट्रैक जिसने मुझे फाइनली काइंड ऑफ चैलेंज मी, मतलब मेरे को मज़ा दिया, मेरे को अपने ऊपर वो था एक काइंड ऑफ, मैं अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगा ट्रैक। बट दिस वन मेक्स मी लाइक कि हार्ड है ब्रो, हार्ड है, ये हार्ड था, लिटरली हार्ड था। मज़ा आया इसको करने में, एंड लिटरली बहुत मज़ा आया। एंड द व्यू फाइनली व्हाट यू गॉट फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग व्यू, सुबह सुबह सनराइज का ये है, अभी प्रॉपर हो रहा है वो भी, और बहुत खूबसूरत है। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। इस ट्रैक ने मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा वो हुई मेरे को, तो काफ़ी ज़्यादा ब्रेथ लेसन्स हुई, काफ़ी ज़्यादा हसल लगी, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी इस ट्रैक में। पहली बार इतना मुझे ऐसा लगा कि सच में मेहनत करो किसी ट्रैक पर चढ़ने के लिए, बट एंड द एंड रिजल्ट इज़ ऑल्सो वेरी वेल प्रिटी यार, वेरी वेल प्रिटी, एंड दिस रियली मेक मी फील लाइक दैट यार। देखो, देखना स्टार्ट करो वहाँ से, रेंजेस है एंड दिस कम्स फ्रॉम देयर, बहुत प्यारा लग रहा है। और मैं यहाँ बैठा हूँ शांति से अकेला साइड में आके, एंड बहुत प्यारा लग रहा है। कहीं माना कुछ चीज़ों को शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल होता है, मुझे नहीं पता ये व्लॉग में कितना डलेगा, क्या कैसे डलेगा, ये कैसे बना है आज का, ये सीरीज़ कैसी बनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवेंचर सीरीज थी। आधी चीज़ें मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता था क्योंकि हाथ में चीज़ें लेके चलना ही मुश्किल था, आज चीज़ें सिर्फ एक्सपीरियंस वाली थी। सम डे मैं शायद इसके ऊपर एक लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आराम से बैठ के एक एक्सपीरियंस बताऊंगा कि क्या एक्सपीरियंस था मेरा। वैसे मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं सोच रहा हूँ ऐसा कुछ करने का कि पूरा एक ढंग से एक बार एक्सपीरियंस बता जाए, लोगों को थोड़ा समझ आए कि केदारकंठा है क्या चीज़। एंड दिस इज द एंड रिजल्ट, एंड व्हाट आई एम
happy for it. I'm very happy for this. वाहेगुरु काफ़ी जनता आई हुई है, काफ़ी नो डाउट काफ़ी जनता आई हुई है. और यार मज़ा आया करने में, मेरे को सच में मज़ा आया कि ऐसा लगा कि सच में किसी ने चैलेंज मारा. आई कांट एक्सप्लेन इट यार. तो सामने वहाँ देखो यार, उधर प्रॉपर स्नोफॉल है, इतनी प्यारा लग रहा है पूरा, सारा चारों तरफ से स्नोफॉल ढका हुआ है. This is what we call जन्नत. पहाड़ों की हम कदर करेंगे, पहाड़ वाली कदर करेंगे, सीधी बात है. अब देखता हूँ कुछ ड्रोन शॉट्स लूँगा यहाँ पे, अगर ले सका तो डाल दूंगा इसके बाद. और बस मज़ा आया करने में बहुत. अगर ऊपर कुछ और होता है दिखाता हूँ, अभी नीचे जाना हमें वापस. अभी हमारी रिटर्न जर्नी स्टार्ट होने वाली है इस ट्रिप की. बट आई वेरी हैप्पी यार, बहुत खुश हूँ मैं इस टाइम पर, बहुत खुश हूँ लिटरली. मैं अंदर से मेरी बॉडी पेन नहीं कर रही, मेरी सांस बहुत रुकी है स्पीड उसमें, जो लास्ट के सुबह से लेकर रात वाला ट्रैक था बहुत ज़्यादा, बहुत थका. बट जितना मज़ा आया ना और जो व्यू देखने को मिला, ऑल वर्थ इट. बट यहाँ पे ना तुम आओगे ना तो मतलब मेरी सुबह तबीयत भी ख़राब हुई थी, बता दो एक चीज़, मेरी सुबह सुबह तबीयत भी ख़राब हुई थी, आई वॉमिट. एंड उसके बाद फील है कि मैं नहीं करता, नहीं जाता कंठा सबमिट तक. तो फिर मैंने सोचा कि यार यहाँ तक आया करते हैं, थोड़ा सा कुछ खाया पिया एंड देन आई केम वो है. मज़ा आ गया यार. हाँ, और मैं जो चीज़ कह रहा था कि कभी केदारकंठा हो तो जगह की वैल्यू करके आना, मज़े का सोच के मत आना, मज़े करो बट हद से पार जाओगे तो पहाड़ तुम्हें अपनी हद दिखा देगा. ये बात याद रखो. फाइनली सनराइज हो गया. हैप्पी न्यू ईयर. Happy New Year!
ओके यहाँ से ये व्यू ऊपर से केदारकांटा का, वहाँ पे मंदिर है पीछे, वहाँ पे मैं वहाँ पे नहीं ले गया, बहुत भीड़ है आज, बहुत भीड़ है, तो मैं वहाँ पे नहीं लेके जा रहा। मैं उसकी प्रॉपर स्टोरी इसके बाद बता दूँगा, क्या कहानी है उस मंदिर की, क्या है इसका। केदारकांटा और केदारनाथ का बहुत बड़ा वो है, बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, मतलब कहानी बहुत तगड़ी इन दोनों की इकट्ठे होके, तो वो सब मैं तो मैं आपको इकट्ठे बाद में बताता हूँ कहानी इसकी। बट इधर तक ये देखो तुम व्यू यहाँ से, वाह, हर तरफ बर्फ ही बर्फ, दिस इज कॉल्ड जन्नत। ओके नाउ वी आर गोइंग डाउन टू द, अरे बोल तू बोल तू बोल आजा, नाउ वी आर गोइंग टू द आवर केदारकंठा बेस कैंप, देन आई विल गो टू द तुरागताल बेस कैंप। चलो चल भाई। ओके हाँ, जैसे इसने बोला हम वही करने वाले हैं, वही जा रहे हैं, काट देगा हालांकि और वही करने वाले हैं हम, काट भी देगा, क्यों काटूंगा मैं, वो बोल तो दिया जो एक उसने बोला वही करने वाले हैं, क्यों काटूंगा मैं, अब मुझे नहीं पता है, तू काट भी देगा, तेरा नहीं, नहीं।, नहीं है, मैं कैसे काटूंगा, तूने बोल तो दिया उस चीज को। बट द व्यू इज स्टिल गोना बी द यार, इस जगह के बारे में ना एक बार नीचे जाके आराम से बैठ के बात करेंगे, फिर आराम से एक बार पहुँचता हूँ नीचे, फिर बताता हूँ तुम्हें इस बारे में, इस जगह के बारे में, क्योंकि अगर यहाँ पे बात करने लगा तो गिरूंगा मैं सबसे पहले। बहुत जाबा नहीं आपने बोला उसकी लकड़ी है, जाना भंडारी आपके पास, अब तो तू ही जाएगा। ओके हाँ, रिकॉर्ड कर, जल्दी कर, फक फन पार्ट इज दैट कि यहाँ स्लाइड करते हुए नीचे जा रहे हैं सारे के सारे, बहुत मजे कर रहे हैं। जब हम वापस नीचे जाते हैं तो उसका नीचे आने का रास्ता अलग है और ऊपर आने का रास्ता अलग है केदारकांठा का, और जब हम नीचे जाते हैं ना तो पूरा रास्ता स्लाइड करते हुए, तो खुद जमीन पे लेटो बर्फ के ऊपर और स्लाइड करते हुए नीचे जाओ, फन है, बहुत मजा आया, मैंने भी करा अभी एक बार, मैं आराम से चुपचाप नीचे जा रहा हूँ, कैमरा मेरे साथ में, शूट वूट उठना है। अब तक सबसे मस्त एडवेंचर, ऊपर से हम नीचे तक स्लाइड करके आए, हाथ देखो पूरा उससे भर गया बर्फ से, यहाँ देखो पूरा पूरा बर्फ बजी पड़ी अंदर से, सच कहूँ हिप्स मस्त बजी है, यहाँ यहाँ बर्फ देखो, ये देखो अंदर तक बर्फ है पूरा, अंदर भर चुका हाथ, इसके हाथ देखो पूरे सूज गए, इसने ग्लव्स ही पहन रखे थे, हाल बेहाल हो चुका है। यहाँ से पूरा ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे बुरा हाल है, दोबारा फिर से स्लाइड या फिर देख क्या करके जाएंगे, बुरा हाल हो रखा और बाल भी हाल हो रखे, तो डोंट जज, बट व्यू इज वेरी गुड, बट कसम से घर पे छोड़ के बच चुके हैं, गंदी वाली, बहुत गंदी वाली इस टाइम पर। ओके आई विश मैं तुम्हें समझा पाता कि मैं किस रास्ते से आया, आई विश मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड कर सकता, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं भाई रिकॉर्ड कर सकूँ भाई, यहाँ पे बेहाल है, काल भी हाल है पूरा, बहुत ज़्यादा स्नो है, ठीक है, और चलने के लिए जगह नहीं है, हम पूरे रास्ते ऊपर से लेके नीचे तक स्किट मारते आए, और जूतों और जैकेटों में पानी भर गए, मस्त बज रहे हैं इधर से, एक बंदे का देखो वहाँ सामने देखो आपको दिख रहा होगा, वो स्लाइड मारते हुए ऐसे जा रहे लोग, कुछ लोगों के लिए मज़ा और एक बंदे का हड्डी भी टूट गई, जब हमको अभी सुनने में आया पीछे मेरे सामने वहीं पर एक एक्सीडेंट हुआ, उस बंदे की हड्डी टूट गई पैर की लिटरली। ओके तो वही चीज़ है यार, थोड़ा सेफ्टी का यहाँ पे बहुत इशू है, सेफ्टी और अगर तुम्हारे पास बिल्कुल तुम्हें ट्रैकिंग की बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल मत आओ यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ी कदर करने की ज़रूरत है एक दूसरे की, एक दूसरे को संभालने की ज़रूरत है यहाँ पे, तो मैं एक दूसरे को मैं बहुत कुछ सीखाऊँ इस जगह से, बहुत कुछ लिटरली, और कुछ आराम से बैठे घर बैठ के आराम से बताऊँगा, बट
इफ यू कैन सी सामने का व्यू देखो यार। एक्सीडेंट हुआ था क्या हुआ था पास आ रहा थोड़ा हाय ये क्या हुआ था वो ऐसे जा रहा था ना स्लाइड में तो उसका पैर अटक गया तो ये जो है ना सीधा अबे भाई स्लाइड कौन थी वो ऐसे वो झाड़ के बीचों बीच एग्जैक्ट वो जा रहे ना उधर ही था वो अच्छा और ये पैर है ना ये सीधा वाला वो टेढ़ा हो गया ऐसे ओ फक और सब उसको लेके गए थे मतलब वो ऐसे बिठा के स्ट्रेचर में जो ऐसे होता है आगे तो सर स्ट्रेचर मतलब वो कपड़े वाला नहीं होता अच्छा अच्छा ओके बैक टू द बेस और अंदर से बच चुके हैं गंदी वाली और इतना आज तक नहीं हुआ इतनी बार ट्रैवल करे इतने ट्रैक्स करे आज तक इतना नहीं हुआ पहली बार ऐसा लगा कि बॉडी सच में एग्जॉस्ट हुई है सच में भरी है बॉडी की बट ठीक है मज़ा आया बहुत मज़ा आया ऐसा ट्रिप मतलब ऐसा ट्रैक करना मतलब बहुत कम करे और नाइट ट्रैक्स बिल्कुल नहीं करे तो ये पहला था सो उसका अलग ही एडवेंचर था और बहुत मज़ा आया अब लोग वापस निकलने को तैयार हो चुके हैं सारे जा रहे वापस नीचे जुड़ा का तालाब पे ताकि वापस निकल सके ओके एक और चीज़ यहाँ से वो जो दिख रही है पहाड़ी वहाँ तक हम गए थे ओके okay, मैं आ गया था नीचे जूदा की ताल पे अभी कुछ इतनी हिम्मत थी नहीं कुछ शूट वूट करूँ यहाँ पे क्योंकि बहुत बच चुकी है और वापस नीचे आने में और बच रही थी तो ओके okay, मैं इस व्लॉग को ये एंड करता हूँ ओके कीप शोइंग लव कीप शेयरिंग एंड प्यार बांटो और व्लॉग को जितना हो सके उतना शेयर करो और क्या इसके अलावा मिलते जल्दी मोस्ट ऑफ मैं इसके बाद यहाँ से सीधा ही मसूरी जा रहे हैं सारे दोस्तों की जो यहाँ ग्रुप भरा है पूरा उनके साथ मसूरी जा रहे हैं तो हम वहाँ पे एक दिन स्टे करेंगे उसका व्लॉग बनाऊँगा वहाँ पे वो दिखाऊंगा और इसके अलावा अभी हम जस्ट नीचे जाएंगे फिर वहाँ से सीधा मसूरी के लिए निकल रहे हैं वो सीधा मसूरी जाके शूट करते हैं और अभी यहाँ से चलते हैं क्योंकि अब फटाफट भागना है फटाफट निकलना है इतना टाइम होगा नहीं कि हम शूट कर सकूँ बहुत कुछ कर सकूँ और कुछ होगा हल्का हल्का दिखाने लायक तो दिखा दूँगा बीच से इसके बाद ही और चलते हैं यहाँ से और बस यहीं पर ख़त्म करते हैं इसको दिस इज रमेश खटरे के मुसाफिर गाइस साइनिंग ऑफ फ्रॉम बस बढ़िया